पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। बिना डिले करें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको पार्ट फोर करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो टू एंड थ्री एंड अ सम ऑफ 2800 इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। इफ ए सेव्स 600 देन बी, वो पूछ रहा है कि कितना सेव करेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि इनकम है, जो इनकम जो होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम से का मतलब होता है कि जहाँ तो मैं खर्चूंगा और जहाँ फिर मैं सेव करूँगा। तो इसी के बेस पे ये सारा टॉपिक है, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, ए एंड बी आर, जो एक्सपेंसेस है ए और बी के, वो 2:3 है। सम ऑफ रुपीज 2800 इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन दैम। मैं यहाँ मान लेता हूँ ए है, ये बी है, टोटल 2800 है। तो दोनों में कहता है जो सम है वो इक्वली डिवाइड कर रखा है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर भी 1400 है और यहाँ पर भी 1400 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1400 है, अब वो कहता है कि ए जो बचाता है वो 600 बचाता है, बताइए बी कितना बचाएगा। जहाँ पर एक्सपेंस, ये हमारी इनकम दे रखी है, जो एक्सपेंस है उसकी रेशियो दे रखी है हमारे पास 2:3, और सेविंग में उसने सेविंग दे रखी है, इसकी सेविंग दे रखी है 600 और बी की वो सेविंग पूछ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ देखिए, अगर ये इनकम ए 1400 कमाता है और 600 वो सेव करता है तो वो खर्चता कितना होएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 1400 से 600 माइनस कर दूंगा तो 800 आता है। तो इतना वो हमारे पास जो खर्चा 800 वो खर्चता है, 1400 में से 800 खर्चेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है वो 2:3 दे रखी है, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या दे रखा, अब ये एक्सपेंडिचर की रेशियो ये ए की है, ये नीचे बी ले लीजिए, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है जी, ये एक्सपेंडिचर है। अब हमें उसने दे रखा है कि इसकी रेशियो 2:3 है, ए की रेशियो 2 है, हमें लेकिन एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 800 रुपया खर्च रहा है। तो हमें 2 का 800 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 400 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो नीचे भी हमें 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला 800 आ गया और जबकि नीचे वाला 1200 आ गया। इसका मतलब जो बी है, अगर वो बी 1400 रुपया कमाता है, ठीक है जी, और खर्चता कितना है, उसमें से 1200 माइनस कर दो, इतना वो खर्च लेता है, तो बचता कितना है, 200। वही हमने क्वेश्चन में उसने पूछा है कि बताइए बी कितना सेव करता है। हमने क्या करा, एक्सपेंडिचर की रेशियो देखी, 2:3 हमें दे रखा था, लेकिन हमें पता चला कि इनकम इतनी है, सेव इतना करता है। जब इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो वो आ जाता है एक्सपेंडिचर, इसी फॉर्मूले से, ठीक है जी। तो हमें 800 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ रेशियो के रखे 2, हमने 2 को 800 में कन्वर्ट कर लिया। कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 800 हो जाए, वो हमें पता लगा कि 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 400 से ऊपर करते हैं तो नीचे भी 400 से करना पड़ेगा। तो उससे पता चला कि जो बी है वो 1200 रुपया खर्चता है, और हमने इसकी इनकम कितनी है, इसकी भी 1400 है, 1400 में से 1200 माइनस करा तो आंसर आ गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इनकम जो मिस्टर गुप्ता और मिस्टर वर्मा की है, इनकम की रेशियो दे रखी है, इनकम की दे रखी है गुप्ता और वर्मा की, क्या दे रखी है रेशियो, 9:4, और उसकी एक्सपेंडिचर की रेशियो भी दे रखी है दोनों की, वो दे रखी है 7:3। कहते हैं उनका एक्सपेंडिचर की रेशियो है 7:3। If each saves 2000, then what Mr. Gupta's expenditure is? ठीक है जी। अब देखिए, हमें उसने ये बताया है कि दोनों जो सेव करते हैं वो 2000 करते हैं। देखिए, हमने ये पता है कि इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो वो सेविंग के बराबर आता है, ठीक है जी।
हमने क्या करा कि ये 9/4 हमारे पास इनकम है और ये 7/3 एक्सपेंडिचर है। पहले इस रेशियो को बराबर कर लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको सिखाया है। इसमें जो डिफरेंस है, 9 से 4 करेंगे तो 5 आता है, यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आता है। तो रेशियो कैसे बराबर करते हैं, ये जो 4 है इसको हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 5 है इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 9 चौका 36, ये आ गया 4 चौके 16, ये आ गया 35 और ये आ गया 15। अब देखिए बराबर कैसे पता चला, 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, अगर 35 में से भी 15 माइनस करेंगे तब भी 20 आता, तो इट मीन्स हमारी जो रेशियो है वो बराबर हो गई है। अब ये हमारी इनकम थी और ये हमारा एक्सपेंडिचर था। अब इसमें देखिए डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है 1 का, लेकिन हमें वो कहता है कि जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे दोनों का जो सेविंग है वो 2000 होनी चाहिए, तो मैं 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2000 हो जाए, तो मैं 1 को 2000 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है जी, अगर 2000 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो हर जगह 2000 से मल्टीप्लाई होएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब वो पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए गुप्ता जी का एक्सपेंडिचर कितना है। ये एक्सपेंडिचर की हमारी रेशियो थी, ये इनकम की थी। अब गुप्ता का जो एक्सपेंडिचर था, जो हमारे पास रेशियो थी, ये ऊपर वाला गुप्ता है और नीचे वाला वर्मा है, तो ऊपर वाला जब मैंने 35 से 2000 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 70,000। तो क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आएगा, 70,000। ठीक है जी, क्या करा हमने, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते तो हमें हमारे पास पहले हमने रेशियो बराबर करी, फिर डिफरेंस देखा 1 का आ रहा था, हमें 2000 चाहिए था क्योंकि वो 2000 सेव करता है, तो 2000 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हर जगह 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एक्सपेंडिचर है ये गुप्ता जी का, नीचे वर्मा का है, हमारा आंसर है 70,000। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी हैव इनकम इन द रेशियो 5:3। ए और बी की जो इनकम दे रखी है हमें 5:3 है, और जो एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है वो ए बी सी तीनों की दे रखी है, वो दे रखी है 8:5:2। वो कहता है इफ सी स्पेंड्स 2000, जो सी है वो 2000 खर्चता है। यहाँ पर जो है 2 दे रखा है सी, तो यहाँ पर 2000, इट मीन्स ये 2 जो है, मैं इसको 2x मान लेता हूँ, ये किसके बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि 2000 खर्चता है। यहाँ पर रेशियो दे रखी है ए बी, और ये सी की दे रखी है जो एक्सपेंडिचर है वो 2 है, इट मीन्स ये और ये दोनों चीज़ें बराबर है, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है जी, अगर x की वैल्यू, या फिर ऐसा ले लीजिए कि 2 की वैल्यू 2000 और 1 की वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पर जो खर्चे आ जाएंगे इस, ये 8x होता है, ये 5x होता है और ये 2x होता है, तो x की वैल्यू 1000 है, तो इसका ये ए खर्चता है 8000, बी खर्चता है, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 1000, और सी खर्चता है 2000। वो कहता है बी सेव्स 700, बी जो है 700 रुपया बचाता है। देखिए एक चीज समझने वाली है कि यहां पर बी की बात है, बी यहां पर है, ठीक है जी, ये 3 से ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, जो सेविंग होती है इनकम से जब एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो वो सेविंग होती है। ठीक है जी, इनकम में से खर्चे माइनस करते हैं तो वो मैं बचा लेता हूँ। अगर मैं ये जो 3 हमारे पास दे रखा है, 3 में से मैं मान लेता हूँ कि ये 3y है, इसमें से अगर वो 5000 खर्च लेता है तो बचाता कितना है, 700। ठीक है जी, देखिए क्या करा मैंने, इसको 3 को मान लिया वाई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स मान ले चुका था, तो यहाँ इसको 3 वाई को मान लेता हूँ, कि ये जो इनकम है 3 वाई, इसमें से जब अगर मैं 5000 खर्चता हूँ तो मेरे पास जो बी है वो 700 रुपये बचा लेता है। अब यहाँ से मैं वाई की वैल्यू पता लगा लूँगा, ये 700 प्लस 5000, ये हो गया 5700, और यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई, ये 3 19 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 1900। ठीक है जी, अगर y की वैल्यू 1900 आ गई तो यहां पर वो पूछ रहा है a की सेविंग कितनी होगी। अब यहां पर अगर y की वैल्यू 19 है तो इनकम कैसे है, एक तो 5y है,
दूसरा हमने 3y लिया था, यहाँ पर इसको 3y लिया था, इसको 5y। अब यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 5 गुना 1900, तो ये आ जाता है 9500, ठीक है जी। अगर 3 माइनस यहाँ पर 1900 करता हूँ तो ये आ जाता है 5700। देखिए ये जो ए है इसकी जो इनकम है ये है 9500, 9500। अगर इतनी इनकम है और खर्चता कितना है 8000, इनकम कितनी है 9500 और खर्चता कितना है 8000, तो हमारे पास कितना बच के आया 1500। तो एक ही वो सेविंग पूछ रहा है तो एक ही सेविंग कितना हुई 1500, यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, वो कहता है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इनकम जो है ए और बी की वो दे रखी है 3:4 और एक्सपेंडिचर दे रखा है 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, कहता है सेविंग की रेशियो बताइए। इफ ए सेविंग ऑफ ए, देखिए सेविंग ऑफ ए, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सेविंग ऑफ ए ये है 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए की इनकम का, मैं इनकम ऐसे लिख लेता हूँ, ए की इनकम का 1/4 है, क्या दे रखा है, द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए की सेविंग उसकी 1/4 इनकम के बराबर है। तो यहाँ पर सेविंग ए लिख लिया तो इनकम ए नीचे आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1/4, ठीक है जी। अब ये इनकम है, ये हमारे पास सेविंग है, अगर इनकम में से मैं सेविंग माइनस करता हूँ तो एक्सपेंडिचर आता है, हमारा फॉर्मूला कहता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस करता हूँ तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आएगा, 4 में से 1 गया तो हमारे पास बचता है 3, ठीक है जी, किसका, ए का। देखिए ए का जो खर्चा आएगा वो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ए का खर्चे आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, पहले तो हम इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 कट जाएगा और 3 रह जाएगा, जो यहाँ पर कर रहे हैं वो दूसरी और भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इससे 4 4 कट गया, यहाँ आ गया 3:3 5 15/4, ये आ गई हमारे पास एक्सपेंडिचर की रेशो। अब सेकंड चीज, यहाँ देखिए जो इनकम है ए की वो 4 दे रखी है, लेकिन आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर इनकम है 3:4, तो मुझे इसको भी 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 डिवाइड बाय 3, 3 3 कट जाएगा, जो यहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ भी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनकम की रेशियो निकल के आती है, यहाँ पर आएगी 4:4 16/3, ठीक है जी, 4 को 4 16/3 इनकम की रेशियो आई 4:16/3, एक्सपेंडिचर की रेशियो आई 3:15/4। अब वो पूछ रहा है सेविंग की रेशियो, इनकम में से एक्सपेंडिचर अब माइनस कर देंगे, 4 में से 3 गया 1, ठीक है जी, और यहाँ पर 16/3 में से 15/4 गया, तो इसको सॉल्व करेंगे जी, एलसीएम आ गया 12 4 64 और 4 45, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 45, इसमें से माइनस है 15 19/12, इसको सॉल्व कर लेंगे जी, 12:12 की, तो 12 यहाँ चल जाएगा, 12:19। तो हमारा जो आंसर है, जो सेविंग की रेशियो है वो 12:19 है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग। पहले उसने जो जो क्वेश्चन में दे रखा हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट कर लिया और बाद में इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 2100। ए और बी की जो सैलरी है उसका जब हम सम करते हैं तो वो 2100 निकलता है। वो कहता है ए स्पेंड्स, ए खर्चता है 20% ऑफ हिज सैलरी, अगर ए का वो 80% खर्च देता है और बी 70% खर्च देता है अपनी सैलरी का, तो उनकी जो सेविंग रह जाती है वो 4:3 रह जाती है। कहने का मतलब 4:3 कब रहता है, जब वो ए अपनी इनकम का, सैलरी का, मान लो जो अपनी इनकम का 80% अगर खर्च देगा तो बचाएगा कितना, 20%, 20% बचाएगा ना। अब नीचे
जो बी है, बी अगर 70% खर्च देगा अपनी सैलरी का, तो अपनी सैलरी का 30% ही वो बचा पाता है। तो ये भी हमारे पास 30% सेविंग होगी, और ये भी रेशियो जो दे रखी है सेविंग की दे रखी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दोबारा बता देता हूँ, ए ने खर्चा 80% अपनी सैलरी का, तो बचाया कितना होगा 20%। मैंने लिखा 20% ऑफ ए, और बी ने खर्चा होगा 70% ऑफ सैलरी का, बचाया कितना 30%। तो ए बी को रेशियो में लिख के आगे उसकी रेशियो हमने सेविंग की दे रखी है, उसने कहा सेविंग की रेशियो बचती है 4/3। अब यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और ये 4/3 है, ये 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कटिंग कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2:1 आती है यहाँ पर। यहाँ हमने देखा कि इनकी जो रेशियो आती है 2:1 है, ये रेशियो किसकी है, सैलरी की, क्योंकि एक ही ये किसकी रेशियो है, क्योंकि 20% ऑफ सैलरी खर्चता है एक ही। तो ये ए और बी किसकी रेशियो आई, देखिए फ्रेंड्स, 20% ऑफ सैलरी का बचाता है, 30% ऑफ सैलरी का बचाता है, तो ये एक तरह से ए और बी क्या हुई, सैलरी। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी है 2:1 में आती है, अगर दोनों को मैं ऐड करता तो 3 आता है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों का सम होना चाहिए 2100। कितना होना चाहिए, 2100। इट मीन्स 3 का सम वो कहता है 2100 के बराबर है, तो 1 का कितना होगा 700 से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 700, मैं दोनों जगह 700 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 आ गया हमारे पास 1400, दूसरा आ गया 700, ये दोनों की सैलरी आ गई। तो वो पूछ रहा है बताइए 1 की सैलरी कितनी होगी, 1 की सैलरी हमारे पास 1400 होगी। हमने सैलरी का 2+1 करा तो 3 आता है, पर वो कहता है कि दोनों को सम करने पे 2100 आना चाहिए। हमने देखा कि अगर 3 की वैल्यू 2100 है, जहाँ पर 2+1, 3 की वैल्यू 2100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 700। तो हमने 1 की वैल्यू क्या, 1 का वैल्यू का मतलब हमने 700 आ गई, तो दोनों जगह हमने 700 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1400 डिवाइड बाय 700 आ गया। दोनों को सम करोगे तो वो 2100 में द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है वो एक ही सैलरी, तो एक ही सैलरी हमारे पास 1400 रुपया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन्स है एक बैग में, और जो उसकी रेशियो है 5:6:8 है। अगर वो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैग में अगर 210 रुपये निकले, तो बताइए जो कॉइन्स होंगे हर तरह के, चाहे वो 1 रुपए के है, चाहे 50 पैसे के, चाहे 25 पैसे के है, वो कॉइन्स कितने कितने थे, उसका नंबर बताना है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आइडिया हमें जो निकलता है वो ये पता चलता है कि हमारे पास जो टोटल वैल्यू दे रखी है 210 दे रखी है, तो 210 जो है वो रुपीज में है। तो सबसे पहले हमें ये जो कॉइन्स की रेशियो दे रखी है, इसको सभी को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, रेशियो दे रखी है 5, 6 और 8, ठीक है जी। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 5x है, ये 6x है और ये 8x है। देखिए जी, 5 वाली रेशियो ये 1 रुपीज की है, तो ये ऑलरेडी 1 में है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 50 पैसे के हैं, अगर 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना हो, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना, तो 1 रुपये में हमारे पास 2 50 पैसे होंगे, तो हम कहेंगे ये 1/2 है, ये 1/2 रुपये है। 50 पैसे को क्या बोल सकते हैं, ये आधा रुपया है, तो मैं इसको भी रुपये में कन्वर्ट कर लिया, आधा रुपया। और थर्ड चीज है 25 पैसे, 25 पैसे रुपये का कितना होता है 1/4, तो हम 1/4 लिख सकते हैं, ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने 1/4 लिखा, तो सभी को सम करने पे मेरे पास 210 आना चाहिए, ठीक है जी। ये उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने सभी को रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, 50 पैसे को रुपीज में लिखना हो तो 1/2 रुपये लिखेंगे, 25 पैसे को रुपीज में लिखना हो तो 1/4 रुपये में लिखेंगे हम, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये 2 से 3 और 4 से 2 कट गया, यहाँ 5x आ गया, 3x आ गया और 2x आ गया, बराबर 210 के। 5 3 8 और 10 10 बराबर 210 के, 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू आ गई 21, ठीक है जी। अब 21 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने रेशियो हमें जो दे रखी है कॉइन्स की, वो दे रखी है 5x 6x
एंड 8x। अब देखते हैं कितने कितने कॉइन हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 21, तो ये आएगा 5। 105 जो कॉइन है वो 1 रुपए के हैं। 6 को अगर 21 से करूंगा तो 126 कॉइन जो है वो 50 पैसे के हैं। यहाँ पर एक तो 168 जो है ये कॉइन्स हैं हमारे पास जो 25 पैसे के हैं। तो हमारा आंसर आ गया 150, 105, 126 एंड 168। ये रुपीज़ के, ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के हैं जिस कॉइन्स जो है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय।